नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT Smart पे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिहार में जो नल जल योजना के तहत अनुरक्षक पदों की बहाली होने वाला था उसका लिस्ट आ गया। आप घर बैठे लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में अनुरक्षक पदों की बहाली है या नहीं, वहाँ पे सीट खाली है नहीं। अगर पहले से किसी को वहाँ पे रख लिया गया तो उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या, सब कुछ आप चेक कर पाएंगे। हालांकि 90% वार्डों में अभी तक सीट खाली है, वहाँ पे अभी कोई किसी को नियुक्त नहीं किया गया। तो अगर आप अनुरक्षक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से आप कैसे लिस्ट चेक कर पाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में लिस्ट कहाँ कहाँ खाली है, कितने वार्ड में खाली है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि अनुरक्षक पदों की बहाली बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया था कि वहाँ पे जैसे बहाली का कोई प्रक्रिया आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ और आपको और भी इसके बारे में आपको जानकारी देते रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो लिस्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके पंचायत या वार्ड में सीट खाली है या नहीं। मैं आप लोगों को लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या क्या अपना एक ब्राउजर ओपन कर लिया, आप चाहे मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ से करना चाह कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गूगल सर्च कर लिया और यहाँ पे गूगल सर्च बार में मुझे सर्च करना PRD निश्चय। यहाँ पे देखिए PRD निश्चय सर्च करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए PRD निश्चय सॉफ्ट का जो ऑफिशियल साइट है ये आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज विभाग का जो ऑफिशियल साइट है, PRD का जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पे आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा और ये इस प्रकार से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना, नीचे आना, इसको स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पे एक रिपोर्ट टैब का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको रिपोर्ट वाले टैब पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे जब आप रिपोर्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक क्या करना है, ऊपर सबसे ऊपर में देखिए वार्ड प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए तो ये वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में कौन कौन से अनुरक्षक काम कर रहे हैं या फिर सीट खाली है या नहीं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जब इस प्रकार से ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए सभी जिला का नाम दिख जाएगा। यहाँ पे जो बिहार में जितने भी जिले हैं सभी जिले के यहाँ पे नाम दिख जाएगा, आपको जिस भी जिला में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं बांका डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैं बांका डिस्ट्रिक्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद ये देखिए ओपन हो रहा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सभी ब्लॉक चूज करने के लिए बोल रहा, तो आप जिस भी ब्लॉक से हैं वो ब्लॉक यहाँ पे आप चूज कर लें, जो भी ब्लॉक है सभी ब्लॉक आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना पंचायत चूज कर लें, जो भी आपका पंचायत है वो पंचायत आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका वार्ड दिख जाएगा, आप कितने नंबर वार्ड में रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वार्ड दिख रहा है, वार्ड नंबर 1, 2, 3। यहाँ पे देखिए वार्ड मेंबर का नाम दिख रहा, मतलब वार्ड सदस्य जो उसका नाम दिख रहा है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर दिख रहा है और यहाँ पे सेक्रेटरी नेम, मतलब जो सचिव है वार्ड सचिव का नाम यहाँ पे दिख रहा है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन में जो यहाँ पे अनुरक्षक है, कोई भी अनुरक्षक यहाँ पे नहीं एलोकेट किया गया, मतलब यहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं वार्ड मेंबर से बोल के, यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसको यहाँ पे आपका आवेदन खाली है तो यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो अनुरक्षक पद की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे देखिए सचिव कार्य कर सकते हैं, लेकिन सचिव कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मेरा लगा दीजिए, मैं काम करूंगा इस पे। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई अनुरक्षक रहता है तो उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ था, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं दूसरा पंचायत को आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और बैक होने के बाद मैं कोई और पंचायत देख लेता हूँ यहाँ पे, जिस पंचायत में कोई वैकेंसी हो, जिस पंचायत में कोई कार्य कर रहा हो। यहाँ से देखिए मैं दूसरा पंचायत को ओपन कर लेता हूँ। देखिए वार्ड नंबर 6 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ वार्ड सदस्य का नाम, यहाँ पे अनुरक्षक का नाम भी दिया है जो काम कर रहा और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे उसका दिया हुआ। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपके वार्ड में सीट खाली है या नहीं खाली है। अगर खाली है तो वहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन कैसे देना, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में, अगले नोटिफिकेशन मिलने तक मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल अगर सारे लोगों को शेयर कीजिएगा।